नमस्कार, पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। सड़क पर रुपयों से भरे पर्स के मिलने पर पुलिसकर्मी ने पर्स स्वामी का पता लगाकर उसे सौंप दिया। पुलिस द्वारा किए गए कार्य की पर्स स्वामी सहित अन्य लोगों ने सराहना की है। जिला मुख्यालय में तैनात उप निरीक्षक जावेद खान को सड़क पर गिरा पर्स मिला, जिसमें 6000 की धनराशि व आवश्यक कागजात थे। पर्स में मौजूद कागजातों से पर्स स्वामी महेश कुमार का पता लगाकर उसे सौंप दिया। पर्स पाकर खुशी व्यक्त करते हुए पुलिस की ईमानदारी की पर्स स्वामी ने सराहना की है। पिथौरागढ़ उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में 6 पदों के लिए 16 प्रत्याशी मैदान पर हैं। दावेदारों द्वारा अब प्रचार भी तेज कर दिया गया है। दावेदार लगातार अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। रविवार को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी जगदीश पुनेड़ा ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 पदों में 16 प्रत्याशी मैदान पर हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर 3, उपाध्यक्ष पद पर 2, महासचिव पद पर 2, संयुक्त सचिव पद पर 3, महिला उपाध्यक्ष पद पर 3 और कोषाध्यक्ष पद पर भी 3 दावेदार मैदान में हैं। चुनाव में 3700 व्यापारी मतदान करेंगे। रविवार को मतदान के उपरांत 4 बजे से मतगणना होगी। इस मौके पर पवन जोशी, जनक जोशी, नवीन जोशी, नवल रावल, दिलीप वल्लिया, महेश मखोलिया, गजेंद्र सोन, भुवन जोशी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। धोखाधड़ी व ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने साइबर सेल की मदद से प्रयागनगर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 6 जून को ललित पंत निवासी पाली गंगुलीहाट ने जन औषधि केंद्र खोलने के नाम पर एक व्यक्ति द्वारा 32,240 रुपए की धोखाधड़ी की तहरीर दी। तहरीर के आधार पर गंगुलीहाट थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पनार चौकी प्रभारी दिनेश चंद्र के नेतृत्व में एसओजी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा साइबर सेल की मदद से आरोपी रहीम खां पुत्र मोहम्मद रजा खां निवासी दहिया थाना भोजीपुरा बरेली को प्रभात नगर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक प्रियंका इजराल, कांस्टेबल राजकुमार, राहुल रावत, विपिन ओली, मनोज कुमार और गीता बवार शामिल थे। सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत थानाध्यक्ष जजर देवल प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी वड्डा जसवीर सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही स्कूटी को रोका गया। अभिभावकों को बुलाकर MB एक्ट की विभिन्न धाराओं में 25,000 की चालानी कार्रवाई की गई। वाहन सी को सीज किया गया। SDM बेरीनाग AK शुक्ला, थानाध्यक्ष हेम तिवारी के नेतृत्व में एक नाबालिग द्वारा स्कूटी चलाने पर 25,000 की चालानी कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष कनाली सिन्हा मनोज सिंह धोनी द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पर चालक मयन सिंह को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 112 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 2 वाहन सीज किए गए। इधर जिले में धार्मिक पर्यटन व सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने व शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान जारी है, जिसके तहत बीते दिवस पुलिस द्वारा 70 व्यक्तियों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम और पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। इधर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुने। धन्यवाद।